हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। इससे पहले हमने खिलजी वंश और गुलाम वंश को पढ़ा है और आज हम करेंगे तुगलक वंश। देखिए, खराब डिफेंस अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये लेक्चर आप लोगों को दिए जा रहे हैं और जो हम आज जो पढ़ेंगे वो तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके दौरान स्टूडेंट्स तीन शासक रहे हैं जिन्होंने इनके बारे में हमें बताया है। तीन शासक ही इस तुगलक वंश के में कंप्लीट है, इसको कर देते हैं। तो देखिए, तुगलक वंश इसकी समय सीमा जो थी स्टूडेंट्स वो आपकी 1320 से 1414 ईस्वी तक रही थी। समय सीमा तुगलक वंश की 1320 से 1414 तक समय सीमा रही थी। और संस्थापक इसके थे गयासुद्दीन तुगलक। इसके संस्थापक कौन थे भाई? गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके संस्थापक थे। दूसरी चीज देखें, स्वयं गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक थे। ये 1325 तक जो है इन्होंने राज किया और इनका नाम जो है वो गाजी बेग तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का नाम क्या था? गाजी बेग तुगलक जो है इनका नाम था गाजी बेग तुगलक। और ये सुल्तान बनने से पहले, शासक बनने से पहले दीपालपुर के सूबेदार होते थे। दीपालपुर के सूबेदार थे। कृषि की ओर इन्होंने स्टूडेंट्स काफी ध्यान दिया, इसने कृषि की ओर काफी ध्यान दिया था। नहरों का निर्माण आरंभ करवाया था, नहरों का निर्माण इन्होंने आरंभ करवाया और दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की थी। तुगलकाबाद नगर किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। इनकी नीति को इतिहासकार बरनी ने इनकी जो नीति थी स्टूडेंट्स उसको रश्मिनियान की नीति कहा है। रश्मिनियान की नीति कहा है इतिहासकार बरनी ने। और इनके निजामुद्दीन औलिया के साथ में अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने इनके बारे में कहा था कि भाई गयासुद्दीन तुगलक के बारे में उन्होंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। और ये पर्सन स्टूडेंट्स काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली अभी दूर है, किसके बारे में कहा गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा गया। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बाद में गद्दी पर बैठते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक गद्दी पर रहते हैं। और इनका बचपन का नाम जो था वो जुन्ना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जुन्ना खां था। दूसरी चीज देखें, इन्होंने काफी सही कार्य भी किए स्टूडेंट्स, काफी गलत कार्य भी किए। तो इनके कार्य पेपर में आ जाते हैं। इन्होंने एक तो योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया भी, जैसी जिसकी योग्यता होगी उसको वैसा ही पद मिलेगा, ये इन्होंने स्टार्ट किया। दूसरी चीज, इनको स्टूडेंट्स पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह भी कहा गया। पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह किस दिल्ली सल्तनत के शासक को कहा गया था? तो वो स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया था। और क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने काफी विवादास्पद निर्णय लिए थे। विवादास्पद निर्णय लेने के कारण से कौन कौन से थे भाई? पांच निर्णय थे। पहला था दो आब के क्षेत्र में कर वृद्धि करना, जो गंगा और यमुना की नदी के आर पार का जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था। और ये टैक्स बढ़ाना गलत नहीं था, लेकिन अकाल के समय में बढ़ाया गया, इस कारण से जो है वो गलत निर्णय था। फिर राजधानी परिवर्तन, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है वो दौलताबाद की, दौलताबाद में अराजकता फैली हुई थी उसको दबाने के लिए इन्होंने राजधानी जो है कहां स्थानांतरित की थी? दिल्ली से दौलताबाद। लेकिन वहां पर भी व्यवस्था नहीं जम पाई और दिल्ली में भी अराजकता हो गई। फिर वापिस अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लेकर के आते हैं, गलत निर्णय था। सांकेतिक मुद्रा, इन्होंने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। चांदी की जगह जो है स्टूडेंट्स तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे, यह भी एक गलत निर्णय था। खुरासान अभियान भी एक गलत निर्णय था। और भी कराची विद्रोह भी एक गलत निर्णय था। तो इन पांच कार्यों के कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह। इनके समय में इब्न बतूता, मोरक्को के निवासी इब्न बतूता इनके समय में एक कवि रहे हैं जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो पेपर में कई बार पूछी जाती है। और पुस्तक का नाम है स्टूडेंट सफरनामा या रहला इनकी पुस्तक का नाम है। इब्न बतूता जो इनके समय में थे, एक 1336 में हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई थे। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण में विजयनगर
को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था, विजयनगर की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी जो है वो हम्पी थी। बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी और वही दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर इन्होंने मकबरा बनवाया था। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर मकबरा बनवाने वाले कौन थे? तो वो स्टूडेंट्स आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, इनकी जब मृत्यु होती है तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो है भाई जनता ने शासक से और शासक ने जनता से आखिरकार मुक्ति पाई, तो इनके बारे में कहा गया है। इन्होंने कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही विभाग को बनाया था। 1351 में स्टूडेंट्स इनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट टू में हम बताएंगे, तुगलक वंश पार्ट टू में हम चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह से मेरमैन जो प्रश्न आते हैं, एक तो ये इनके द्वारा किए गए पांचों कार्य, दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान और कराची विद्रोह, इनके बारे में प्रश्न आ जाता है। एक इबन बतूता के बारे में, बहमनी राज्य की स्थापना, विजयनगर राज्य की स्थापना, ये प्रश्न आ जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किसके बारे में कहा दिल्ली अभी दूर है, ये बात पूछी गई है। और भाई आपका किस राजा के बारे में कहा गया था कि भाई आखिरकार उसकी मृत्यु पर जनता ने को बादशाह को जनता से मुक्ति मिली थी, ये इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको स्टूडेंट्स टॉपिक पसंद आया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।